तो भाई प्रयागराज में होने लगी चौचक बारिश, और आज तो कुछ और शूट करने जा रहे थे हम, कहीं और जाने वाले थे, लेकिन बारिश में चाट खाने का अपना ही मज़ा होता है, तो आज हम लोग आ गए हैं चाट खाने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं EFT। तो आज हम प्रयागराज की एक बहुत फेमस चाट की दुकान कवर करने आए हैं, जहाँ पे चाट मिलता है, गोलगप्पे मिलते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे आइटम मिलते हैं। भीड़ इनके यहाँ इतनी ज़्यादा रहती है नॉर्मली, और आज चूँकि बारिश हो गई है इसलिए थोड़ा अभी हल्का हल्का गीला है, इसलिए थोड़ा लोग कम है। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट मेरे पीछे डायमंड जुबली हॉस्टल है, और हॉस्टल के जस्ट सामने आपको ऊपर बोर्ड दिख जाएगा, भैया लोग भी आते हैं। कब से आ रहे हैं अंकल भैया? हम लोग तो यहीं रहने वाले, बहुत पुराने यही खा रहे हैं। और क्या ट्राई करते सबसे ज़्यादा यहाँ बच्चे? टिकिया, चाट, ये टमाटर। भैया आप भी पहले 2006 से ट्राई कर रहे हो? 15 साल हो गए। तो टिकिया खाते हो, टमाटर चाट खा रहे हैं, सब कुछ आज मिल पाई नहीं किया, बहुत तेजी से है, खत्म हो गई है, और हम दौड़ा दौड़ा ताए हुआ लगा रहे। तो टिकिया नहीं मिली? टिकिया मिल पाई नहीं, तब भी टमाटर चाट ही ट्राई किए। चलिए, दही बड़ा भी अच्छा लगता है इनके यहाँ का, सब कुछ एकदम टापम टाप टापम टाप लल्लन टाप है भाई, यही लिए भीड़ इतनी चौचक है। तो भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो थोड़ा रश ज़्यादा था, इसलिए हम बनते हुए हो सकता है आपको अच्छा से ना दिखा पाए हो, पर खा के टेस्ट आपको जरूर बताने वाले हैं। प्राइस भी बता देते हैं, तो ये जो चाट का पत्ता है, दो टिकिया रहती है इसमें, इसका प्राइस रहता है 45 रुपीज़। ठीक है, तो 40 रुपीज़ की चाट तो अब तो हर जगह हो गई है। देखिए, ऊपर इसमें चटनी पड़ी हुई है, दही पड़ा हुआ है, लाल मिर्च, और ये मूली प्याज जो भी हो कुछ भी पड़ा हुआ होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी, और काफ़ी हैवी है यार, जैसे नॉर्मल दोना हर जगह मिलता है ना, उससे ज़्यादा काफ़ी हैवी दोना है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, एकदम क्रिस्पी, अब हो सकता है हमको बनाए हुए थोड़ी देर हो गया इसलिए क्रिस्पीनेस थोड़ी हल्की से कम है, लेकिन चटनी बड़ी तगड़ी है यार। आइए आपको चटनी दिखाते हैं, ये चटनी बहुत तगड़ी है, बहुत मस्त है ये चटनी, मीठी वाली, मज़ा आ गई खा के वाली चटनी। कोई मसाला पड़ा हुआ है इसमें, जैसे मिर्च और काला नमक तो पड़ा है, उसके अलावा कोई अलग मसाला पड़ा हुआ है, उसका टेस्ट बड़ा जबर आ रहा है। तो चाट काफ़ी अच्छी है इनकी, दो टकिया रहती है, मीठी वाली चटनी, एक बार और डलवा के खाइएगा, बहुत टेस्टी है। ठीक है, बाकी चाट रिकमेंडेड है, इसको ट्राई कर सकते हैं आप, साथ में ट्राई करके दिखाते हैं आपको दही बड़ा। तो भैया भी खा रहे हैं, भैया क्या ट्राई कर रहे हैं आप? भैया टमाटर चाट है, टमाटर चाट, टिकिया चाट आपको भी नहीं मिली? नहीं, खत्म हो गई, खत्म। टिकिया चाट खाने सब आए थे लेकिन खत्म हो गई, कोई बात नहीं, तो टमाटर चाट अच्छी लगी। क्या 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 ट्राई करते हैं यहाँ पे आप? मैं टिक्की खाता हूँ, दही बड़ा खाता हूँ, टमाटर। यही रहने वाले बाहर हैं? नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था, अभी जॉब करूँ अलीगढ़ में। अच्छा, आया हूँ तो खाने आया। ओहो, यहाँ पढ़ाई करते थे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि अब यहाँ आए हैं तो एक बार ट्राई करना बनता है ना। वो दही बड़ा भी अच्छा है, टिकिया भी अच्छी है यहाँ की, और टमाटर चाट भी अच्छी है। तो 100% रिकमेंडेड है, जितने भी लोग यहाँ ट्राई कर रहे हैं सभी को पसंद है। तो ये इनका दही बड़ा, और दही बड़ा का प्राइस रहता है 50 रुपये, और ये भी काफ़ी पूरा फॉयल पेपर भर दिया है भाई इन्होंने। ठीक, दही काफ़ी थिक है, ये देखो काफ़ी थिक दही है। ठीक, तो इसको ट्राई करते हैं, अब ये तो कट करने पे पता चलेगा कितना सॉफ्ट है। ओहो, वाह भाई साहब, ये देखिए दही बड़ा, देख रहे हैं आप अंदर एकदम सॉफ्ट और गुई। अब इसको ट्राई करते हैं भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, देखने से तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, अब खा के पता चलेगा कि कैसा है टेस्ट इसका। वाह भाई साहब, गजब, एकदम रॉपचेक, जबर माल कह सकते हो आप। मतलब इससे पहले जहाँ मैंने दही बड़ा खाया था ना, उससे बहुत ही मस्त दही बड़ा है, और एक जानते हो रीज़न क्या है, जैसे स्वीटनेस जो है ना काफ़ी अच्छी है इसमें। दूसरी चीज़ क्या है, जो बनाया गया, जिस तरीके से बनाया गया है, अंदर सॉफ्ट है और थोड़ी साइज़ छोटी है, और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ये आपको दिखाते हैं, जो ये ऊपर वाली लेयर है ना, ये काफ़ी थिक है, अब जिस भी तरीके से बनाया गया हो काफ़ी थिक लेयर है इसकी, और दही काफ़ी गाढ़ी है भाई। सुनील चाट भंडार नाम है, सुनील दही बड़ा भंडार नाम होना चाहिए था, बड़ा मस्त दही बड़ा बनाते हैं भाई, और काफ़ी अच्छा और फुलफिलिंग मील है। टेस्ट और क्वालिटी भी तो आप देखिए, जिस हिसाब से क्वालिटी है दही की, आप ये देखिए जिस हिसाब से दही की क्वालिटी, इतनी थिक देख रहे हैं, जितनी थिक दही की क्वालिटी है, इस हिसाब से 50 रुपये प्राइस भाई अच्छा है यार, सही। तो भैया के पास एकदम टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी हम अंदर घुस गए हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए कि भैया की दुकान कितनी पुरानी है, कैसे बनाते हैं, कब से बना रहे हैं। भैया ये बताइए, कब से ये दुकान चल रही है? यहाँ तो भैया 16 साल हो गया मेरे, 16 साल। और ये देखिए पूरा इतना ज़्यादा भीड़ रहती है कि टाइम ही नहीं रहता कि कहाँ क्या स्प्रेड हो रहा है। ये मीठी वाली चटनी रखी हुई है इनकी, तीखी वाली, वैसे तो सब कुछ ही पसंद करते हैं, लेकिन जैसे कि पूछा टिकिया हमने खाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख गया, दही बड़ा की डिमांड है ना, इतनी दही ठीक रहती है, ये दही खुद की जमी रहती है कि बाजार से खरीदी? जमाता हूँ, खुद की जमी हुई दही रहती है। तो दही बड़े, पापड़ी चाट, टमाटर चाट, मतलब ये 2-3-4 ही आइटम, ज़्यादा ज़्यादा आइटम नहीं रखते। 3 बजे से 8 बजे तक दुकान भैया की खुली रहती है, यहाँ पे आके आपको टिकिया चाट और दही बड़ा तो जरूर ट्राई करना है भाई, मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत मस्त लगा। ठीक है, मैंने पहली बार ट्राई किया है,
और किसी ने मुझे रिकमेंड ही किया था मेरे सब्सक्राइबर ने कि सुनील चाट भंडार के चाट ट्राई कीजिए और काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू जिसने भी रिकमेंड किया था। तो सुनील चाट भंडार डायमंड जुबली हॉस्टल के ठीक सामने, आप यहाँ आके चाट और दही बड़ा और भी इनके पास बहुत ढेर सारी चीज़ें वो भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस तरीके की वीडियो प्रयागराज की छोटी बड़ी बहुत ढेर सारी आ रही है और आती रहेगी। आप अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन जैसे हमें दे रहे हैं वो देते रहिए, उस सबको मैं कवर करूँगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं प्रयागराज की किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरी वीडियो में।